हाय सुधीर, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं कोरल डा में कनेक्टेड टूल और डायमेंशन टूल के बारे में, कि डायमेंशन टूल होता क्या है, और सेकंड सीखने वाले हैं कनेक्टेड टूल होता क्या। तो देखो, डायमेंशन टूल एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग किसी शेपेज का, किसी सर्कल का, किसी ट्रेंगल का हम लोग एंगल पता कर सकते हैं कि उसका, ठीक है, विड्थ क्या है, हाइट क्या है। तो वहां पे हम लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं डायमेंशन टूल का। जैसे होता क्या है, और यह सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है, डिजाइनिंग के क्षेत्र में, और आर्किटेक्ट लोग ज्यादा करते हैं। जैसे कुछ डिजाइनिंग करना होता है तो किसका एंगल क्या होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, कितने एंगल पे मुड़ा हुआ है, तो वह जो पता किया जाता है ना, वो डायमेंशन टूल से पता किया जाता है। जैसे मैं आपसे इसमें परसेंट में पूछ दूं, ये रेक्टेंगल बनाया हूं, या इसका और यहां से लेके यहां तक साइज क्या बता, मतलब कितने इंच का, और यहां से लेके और यहां तक हाइट कितने इंच का है बता दो हमको, तो ना हम बता पाएंगे ना आप बता पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग देखते ही हो, कुछ बनाते हैं लोग, इंच टेप लेके आते हैं, मापते हैं लोग क्या साइज होना चाहिए। सेम हम लोग क्या करते हैं, कुछ आर्किटेक्ट लोग क्या करते हैं, कुछ डिजाइनिंग करते समय किस शेपेज का, कितने इंच का विड्थ होना चाहिए, कितने इंच का हाइट होना चाहिए, क्या वो सब मेंशन जो करते हैं वो डायमेंशन टूल से करते हैं। चलो फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ बनाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से यह बना दिया इतना बड़ा, उसके बाद यही से एक और हमको यहाँ पे इतना बड़ा बना दिया, एक और यहाँ से एक और इतना बड़ा बना दिया। हम सोच रहे इसका एंगल क्या, इसका एंगल क्या, इसका एंगल क्या, सपोज मान लीजिए, ठीक है, तो लोग करते क्या है, आ जाते हैं डायमेंशन टूल को। तो देखो, चार पांच डायमेंशन टूल दिया, अब इन सबका अलग अलग यूज है। तो पहला है पैरेलल डायमेंशन टूल, ठीक है। अब ये करता कैसे, जैसे हम यहाँ पे आ जाएंगे पैरेलल डायमेंशन टूल पे, क्लिक करेंगे और नोड्स पे क्लिक करके, और नोड्स को लेके जाएंगे, और लाने बस ऊपर जब बढ़ाएंगे ऐसे, तो बताएगा क्या है, बाहर क्लिक कर दिया इसको, और क्लिक करके थोड़ा साइज हम क्या करेंगे ऐसे बढ़ा और बढ़ा दो, बता दिया। अब क्या क्या बता रहा है, 6.94 इंच का इसका विड्थ है। अब ऐसे हाइट पता करना है, फिर से आ जाऊंगा पैरेलल डायमेंशन टूल पे और क्लिक, बार क्लिक क्लिक, समझ रहा ना, इसका क्या है 3.46 इंच। और जाहिर सी बात, ये भी यही होगा और इधर वाला भी यही होगा, दोनों का बराबर ही एंगल स्क्वायर सर्फेस पे। अरे, जो इधर का हाइट है वो भी इधर का हाइट है, जो इधर का बीट है ये भी इधर का बीट है। तो ये ऐसे हम आसानी तरीके से इसका एंगल चेक कर सकते हैं। फिर से वही, मैं जो यह वाला जो मैं बनाया हूँ और इसको जोड़ा हूँ, वह क्या इसका हाइट है क्या है, बस यहाँ पे क्लिक करूंगा, और क्लिक करने बाद से डायमेंशन पे आऊंगा, और क्लिक करके यहां से नोट्स को लाके ऐड कर देगा। बस बाहर क्लिक किया, इसे यहां पे क्लिक किया, और थोड़ा साइज बढ़ा दिया और सेलेक्ट कर इसका। देखो, 6.94 था, इसका 6.64 था, छोटा है कि नहीं, ऐसे कर लोगे ना, ठीक है। अब चलिए, तो ये समांतर क्रम में जैसे चेक करना होता ना, तो इसका इस्तेमाल ज्यादा किया। लेकिन अगला जो ऑप्शन दिया इसी में, वह दिया हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायमेंशन। तो सेम जैसे यह काम करता है, सेम वैसे ये भी काम करता है। जैसे क्लिक कर लेंगे, यह क्या है, हॉरिजेंटल है, और क्लिक करके यह क्या है, वर्टिकल है। तो ये दोनों का मतलब यही है, ये भी एंगल ही बताता है, साइज बड़ा करता है। क्लियर है? तो यह हमारा थर्ड वाला ऑप्शन देखिए क्या है, ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, एंगुलर डायमेंशन टूल। मतलब जो बनाया ना, वो कितने एंगल पे मुड़ा हुआ है, 90 डिग्री पे, या 80 डिग्री पे, या 45 डिग्री पे, मतलब जो आपने आकार बनाया वो कितने डिग्री पे मुड़ा हुआ है। तो आप बताओ, ये कितने डिग्री मुड़ा हुआ है, पढ़े हो तुम लोग, मैथमेटिक्स में पढ़ाया गया होगा, ये जो जब पूरा ये मिल जाएगा ना, 90 डिग्री में मुड़ा हुआ है, ठीक है। कितने कितने डिग्री पे मुड़ा हुआ है,
90, यहां से लेके जाओगे, यहां पे लेके जाओगे, यहां पे लेके जाओगे, यहां तक ले जाओगे तो 90 डिग्री बताएगा, समझे ना। और इधर कम करेंगे तो कम बताएगा, अगर बीच में लाके चिपका दी, चाहे यहां हो अच्छा लास्ट में हो, 90 डिग्री बताएगा। तो क्या जो आपने बनाया है वो कितने एंगल पे कितने डिग्री पे मुड़ा हुआ है वो चेक करना है, तो चेक कर सकते हैं। तो कैसे चेक करें, देखो मैं चेक करके दिखा रहा हूँ आपको। क्लिक किया और एंगुलर डायमेंशन टूल पे आया, आ क्लिक करके यहाँ पे, और देखो एंगल देखो चेक कर रहा हूँ, देखो कितने इतना कितने डिग्री पे बोला है, 52। इसे देखो यह कितना है, 68। और देखो चिपका दिए तो देखो 90 हो जाएगा, और लास्ट में जाएंगे तो 90 बताएगा। यहाँ क्लिक और बार क्लिक क्लिक, अब देखिए ये 90 डिग्री में घूम रहा है। ठीक, कुछ एंगल उंगल बनाते हैं तो एंगुलर डायमेंशन टूल से पता कर सकते हैं। चलो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, एक सर्कल ले लेता हूँ, और ये कितने मुड़ा हुआ हमको नहीं पता चल रहा, तो बस आ जाऊंगा यहाँ पे क्लिक। यहाँ पे 10 देखो इसे बता रहा है, लास्ट में 45 ऐसे। तो ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे कब इस्तेमाल किया जाता है, सबसे स्क्वायर शेप में किया जाता है, या कोई ट्रायंगल हो, जैसे मान लो यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं, आ गया ट्रायंगल, और इसको बड़ा कर देंगे, और इधर का इधर का इधर का चेक करना है, बस आ गया क्लिक कर दिया। बाहर क्लिक करेंगे, सिक्सटी फाइव गिरा है, यह कितने मुड़ा है, ये 65 करते हैं, फिर से यहाँ पे आ गया, क्लिक कर दिया, ये अलग है, और यहां से यहां तक चेक करना, ये अलग है। ऐसी मैथमेटिक्स में ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसलिए बोला हूँ ना, आर्किटेक्ट लोग क्या करेंगे, ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। देखो बढ़ा देता हूँ, ठीक है। चलो अब यहाँ पे जो लिखा है ना यूनिट ना, हम ये यूनिट चेंज करना था, चेंज कर सकते, मुझे नहीं पता चला इंच में लिखा क्या लिखा है, तो मैं आ जाऊंगा यहीं पे। और देखो यहाँ पे डेसिमल दिख रहा है ना आपको, और यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है यहाँ पे, तो हम सोच रहे हैं किस में दिखा दे, इंचेज में दिखा दे, तो यहाँ पे दिया भी है देखो, प्रीफिक्स और सफिक्स, तो हम बताना चाहते हैं सर इंच में है, तो क्या दे देंगे, INC। प्रीफिक्स मतलब पहले और सफिक्स मतलब बाद, मैं प्रीफिक्स मतलब पहले क्या दिखाना है डायमेंशन, तो हम दिखाना चाहते हैं, हम क्लिक करके दिखा सकते हैं, बाहर क्लिक कर सकते हो, डेसिमल में ही इंच, ठीक है। ऑप्शन देता थे हम डिफिक्स इंचेस करने का, इसमें ऑप्शन ही नहीं देते, 0 कम ज्यादा डेसिमल और बढ़ाना है घटाना बढ़ा सकते हैं, सफिक्स प्रीफिक्स। चलो एंगल जो हम करते हैं मैं सब वही कर जी, तो लगआउट नहीं किया। चलो यार क्लियर है ना आपको डायमेंशन टू, और अगला सेगमेंट डायमेंशन टू से मैं ऐसे ही काम करता है, ठीक है।
हाँ, 3 पॉइंट क्लाउड थोड़ा सा अलग है। जैसे मान लो हमको यहां से यहां तक कुछ इंडिकेट करके बताना इनके बीच, तो बस यहाँ पे आऊंगा मैं, क्लिक करूंगा और ऐसे खींचूंगा, ठीक है, और ऐसे लिंक कर दूंगा। बोलिए तीनों यहां से लेके यहां तक तो जुड़ा हुआ है, बस सेलेक्ट क्लिक हो जाएगा, बना ले जाएगा ना। चलिए कंट्रोल ए करते हैं, डिलीट करते हैं। आज टूल पढ़ाना, थोड़ा सा छोटे छोटे टूल है। और नेक्स्ट अगला कनेक्टेड टूल, तो देखो नाम से ही पता चल रहा कनेक्टेड टूल। कनेक्टेड टूल क्या करेगा बोलिए। देखिए जो कनेक्टेड टूल है, एक ऐसा टूल है जिसके सारे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि दो सीपी आपस में कौन कौन से जुड़े हुए हैं, कौन जुड़ा है कौन जुड़ा नहीं है, ये कहते हैं हम हमारे बीच क्या कनेक्ट है, मतलब क्या लिंक है। तो इसके सारे हम लोग एक से ज्यादा 2 3 4 5 सीपी को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और कनेक्ट करने से यही फायदा होगा कि जहां जहां पे उस सीपी को लेके जाएंगे और कोई डिजाइनिंग क्रिएट करेंगे तो ये पता चलेगा किस एंगल पे जा रहा है वो और कैसे जुड़ के इसका इस्तेमाल करना है। जैसे मैं दिखा रहा हूं आपको, एक रेक्टेंगल बनाया और एक और रेक्टेंगल बनाया और एक और रेक्टेंगल बनाया, मैं सोच रहा हूँ दोनों आपको आपस में लिंक कर दो, ठीक है, कनेक्ट कर दो। तो सेलेक्ट करूंगा कलर कर दिया, सेलेक्ट कर दूंगा कलर कर दिया, इन दोनों को कनेक्ट करना है। तो मैं आ जाऊंगा कहाँ पे, स्ट्रेट लाइन कनेक्टेड टू, बस कनेक्ट कर दिया। अब देखो अब इधर जाए चाहे इधर जाए, ये कहीं जाएगा तो बताएगा यह इससे जुड़ा हुआ है, यह इससे जुड़ा हुआ है, चाहे कोई भी आकृति कोई भी लिंक बना हुआ हो, चाहे ऐसे आप कोई डिजाइनिंग करो, चाहे ऐसे करो, चाहे ऐसे करो, चाहे ऐसे लाओ। चलो इसको भी हम जोड़ देते हैं, फिर आ जाएंगे कनेक्टर। लो अब तीनों जोड़ दिए, अब ऐसे जो भी बनाना बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कोई भी देखे कहेगा हाँ ये सब एक ही से जुड़े हुए, आपस में जुड़े हुए, समझ रहा ना। ये होता है कनेक्टेड टूल। ये हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, ज्यादातर आर्किटेक्ट टूल इस्तेमाल करते हैं। तो टूल के बारे में बता दे रहे कैसे काम करता है, फिर कैसा डिजाइनिंग करना है वो मेरे माइंड में नहीं है, वो उन्हीं के माइंड में, वो ऐसा टॉपिक पढ़े हैं वो जानते हैं, छोटे से जगह में बड़ा सा बिल्डिंग खड़ा कर देते हैं डिजाइनिंग कर करके, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट अगला ऑप्शन दिया इसी में, राइट एंगल कनेक्टेड टूल। अब राइट एंगल कनेक्टेड टूल का मतलब क्या है, कुछ ऐसा काम करेगा, क्लिक किया ला दिया बस ऐसे। हाँ बोलो, देखो या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, कनेक्ट हो गया। देखो हम लोग का बहुत कम इस्तेमाल। और लास्ट है इसमें राउंड राउंडेड राइट एंगल कनेक्टेड टू, मतलब राउंड में कनेक्ट करेगा ऐसे, समझे। इसको राउंड, इसको राउंड, तो ऐसे एक डिजाइनिंग हम क्रिएट कर दिए, ठीक है। तो लोग बनाते समय एंगल वाइज राउंड वाइज जोड़ते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो ये ज्यादातर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आर्किटेक्ट लोग ज्यादा करते हैं। और अगला एंकर पॉइंट, मतलब बीच में से जोड़ना, तो इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये जब बहुत कम कनेक्ट करता है, जहां पे एंकर पॉइंट रहता है वहां पे कनेक्ट करता है। जैसे यहाँ क्लिक किया, अब एंकर पॉइंट है ना यार, यहाँ से अब क्लिक करके किसी एंकर पॉइंट से जोड़ना हो तो उसको जोड़ सकते हैं। तो बीच में दोनों में एंकर होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए और यहाँ भी होना चाहिए। अब एंकर है ना इसलिए जुड़ेगा नहीं, चलो इसको जोड़ के मैं अलग दिखा देता हूँ। बाहर क्लिक किया, कंट्रोल ए किया, डिलीट कर दिया और एक ले लिया क्या, इलिप्स, कंट्रोल शिफ्ट के साथ, और कलर कर दिया, और फिर से मैं कंट्रोल शिफ्ट से एक और ले लिया और कलर कर दिया। और बनाने बाद इसको हम सोच रहे हैं ना थोड़ा सा और कलरफुल करो, तो डबल क्लिक करूंगा इसी पे, और डबल क्लिक करने के बाद से आ जाऊंगा फाउंटेड कलर पे, और फाउंटेड में ये थर्ड वाला सेलेक्ट कर लूंगा, ऐसे आ जाएगा।
ये ना आपका ना अलग डिजाइनिंग क्रिएट हो रहा है, कर दूंगा ओके, फिर से ये सेलेक्ट करूंगा, फिर से क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद फिर से फिल पे आ जाऊंगा, हाउंटेड पे ले लूंगा, ऐसा कलर इफेक्ट आएगा, अच्छा लग रहा है। चलिए अब इसको इससे जोड़ना है, इसमें कोई एंकर पॉइंट नहीं दिया है, तो बस क्लिक करेंगे और आ जाएंगे कहाँ पे, एडिट एंकर पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे। अब क्लिक करने के बाद से यहाँ पे एंकर पॉइंट हमको क्रिएट करना है। अब यहाँ पे आएंगे तो बीच में हमको यहाँ पे दिखेगा बॉक्स, डबल क्लिक, थर्ड वाला ठीक तो है, यहीं पे क्लिक करके एंकर पॉइंट हो गया क्रिएट, यहीं पे डबल क्लिक करेंगे, एक और हो गया समझे। अब जोड़ना है लाएंगे किसी को जोड़ना है, बस क्लिक करके जोड़ सकते हैं एंकर से एंकर को। क्लिक करो, हो जाएगा। तो जब तक एंकर पॉइंट क्रिएट नहीं होगा ना, थोड़ा काम नहीं करेगा। बीच से कनेक्ट करना आपको, एंकर पॉइंट नहीं बनाया क्या इसका, बना तो है। क्लिक एंकर यहाँ पे है, क्लिक यहाँ पे है, अब इसके एंकर को यहाँ से जोड़ना है, क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करें, या यहाँ पे क्लिक करके लाओ मिला, एंकर पॉइंट जुड़ नहीं रहा, जुड़ जाएगा। हाँ अब हो गया, रहा है ऐसे जुड़ गया। आप देखो यहाँ क्लिक करो, अब इसको कहीं लेके जाओ, अब जाएगा बाबू, इस्तेमाल कर ले जाओगे ना। चलिए एक और बता दो, क्लियर हो जाओ, जैसे आप लोग यहाँ पे ले लोगे इलिप्स, एक और ले लिया इलिप्स, दोनों को जोड़ना है, कोई कलर देना है दे दिया, इसमें कोई कलर देना है दे दिया, अब इसको थोड़ा सा ऐसे दिखाना है, तो फिल पे डबल क्लिक करेंगे और फाउंड पे आ जाएंगे और थर्ड वाला ले लेंगे ओके, फिर से क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, फाउंड पे आ जाएंगे, क्लिक करेंगे ओके करेंगे। अब एंकर यहाँ पे अगर मान लो सीधा मैं चाहता हूँ इससे जोड़ना, तो कोई ऑप्शन में नहीं कैसे जोड़ दू, दे रहा है किनारे किनारे जोड़ रहा है, हम बीच से जोड़ना चाहते हैं इसलिए हमने यहाँ पे एडिट पे आया और डबल क्लिक कर दिया कि एंकर पॉइंट बना लिया, और यहाँ पे क्लिक करके एंकर पॉइंट बना दिया, अभी से एंकर को इस एंकर से जोड़ना है, तो ये आ जाएंगे कहाँ पे लाइन, और ये जो एंकर जो दिया है हमारा, ठीक है जो एंकर हमारा दिया है इसको क्लिक करके क्या करेंगे, इस एंकर से मिला देंगे, हो गया। तो क्लिक बना लोगे, हाँ इससे फ्लावर बहुत अच्छे से बन जाएगा, कौन सा बोले, ये जो हमने आज पढ़ाया है, जैसे कहाँ गया, आ जाता हूँ त्रिकर ला दिया, क्लिक किया कर, और क्या किया हमने, कलर कोई ले लिया, यस, और आ जाता हूँ डबल क्लिक, और कहाँ पे जाते हैं फाउंटेन, क्लिक ओके, और क्या करेंगे बाहर क्लिक, इसको छोटा थोड़ा, और एक ग्रिड गाइडलाइन ले लेंगे, क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करके क्या करेंगे रोटेट करेंगे, अरे अच्छा रहता है अगर आप पता चल जाए कहाँ लेके जाना है, सीधा करने में मोड़ सकते हो, इसे मोड़ लो, अब क्लिक करके क्या करेंगे एंगल सेट किया, राइट क्लिक डबल क्लिक कंट्रोलर, सारा ना, तो ऐसे आप आसानी तरीके से कलर कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हो जाएगा बाबू कर ले जाओगे। चलो तुम लोग परेशान थे ना, सीडी 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 बना लोगे इससे।
क्लिक किया, कंट्रोल के साथ क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ एक सर्कल ले लेंगे, ले लिया, फिर से क्या करेंगे शिफ्ट के साथ क्या करेंगे, सुन लो, छोटा कर देंगे और राइट क्लिक करके छोड़ देंगे, हो गया। बाहर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और फिल पे आ जाएंगे, और फिल पे आने में बहुत सारे पैटर्न इसमें दिए हैं, इसमें भी बहुत सारे पैटर्न दिए गए, इसमें भी बहुत सारे पैटर्न दिए गए, अलग अलग पैटर्न दिए गए, दिख रहा ना आपको। यहाँ पे क्लिक करोगे देखो बहुत सारे अलग अलग पैटर्न दिए गए, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे जब क्लिक करोगे इसमें देखो बहुत सारे पैटर्न दिए गए, दिख रहा है आपको। इस यहाँ पे क्लिक करो, इसमें भी बहुत सारे पैटर्न दिए गए, यही सीडी वाला है, बस ओके कर दो, कर दिया। और यहाँ पे आके आगे क्लिक सीडी अप्लाई आ गया, हम लोग ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद से ये क्रिएट हुआ है ना, अब बस यहाँ पे लाऊंगा इसको, यहाँ पे छोड़ दूंगा, कर दूंगा क्या वाइट, लो लिख दिया सीडी या डीवीडी। बहुत इजी है ये, फिल का बहुत ज्यादा यूज है, मतलब अलग अलग कलर है, अलग अलग हिसाब से फिल कर सकते हैं, ये ऐसा चाहिए तो ये ले सकते हैं, ऐसा चाहिए तो ये ले सकते हैं, मतलब इसको कैसे फिल करना है, कलर कौन कौन सा चाहिए, यहाँ से आप इस्तेमाल कर सकते हो। पक्का ये लॉन्च हुआ है, देखो कैसे बनाया है। अरे तुम लॉन्च किए हो, अच्छा हो जाएगा बाबू, ऐसे डीवीडी कर दिया, बस सिंपल है, आसानी तरीके से बना दिया, ठीक है। सर्कल जैसा कैसा बना के, और यहाँ पे आ गया और लिख दिया क्या, टेक्स्ट लिया, कैप लॉक ऑन किया और लिख दिया जी, जी लिख के क्या करेंगे, बस बड़ा कर समझे, फॉन्ट अपनी हिसाब से चेंज कर ले, एरियल बोल्ड ये कौन सा चाहिए, यहाँ सेलेक्ट करके चूज कर लीजिए, एरियल कर दिया, ये पसंद नहीं है दूसरा ले लिया, मतलब जो आपको चाहिए वो अपनी हिसाब से क्या कर सकते हैं, यहाँ से ले सकते। तो मैं चाहता हूँ एरियल बोर्ड आ गया, और मैं सोच रहा इसका आउटलाइन थोड़ा सा मोटा कर दो, और इसका कलर जो बीच में है नॉन कर दो, कलर नॉन कर दो, गायब हो गया टेक्स्ट, और आउटलाइन को कर दिया मैंने ब्लैक कलर, आ गया, ध्यान देना। उसके बाद से क्या करेंगे, आ जाएंगे और आउटलाइन का थोड़ा सा विड्थ थोड़ा मोटा करना हो, तो यहाँ पे आउटलाइन देखो यहाँ पे नॉन दिया है, डबल क्लिक करेंगे, आउटलाइन यहाँ पे दिया है, डबल क्लिक करेंगे, हाँ आउटलाइन लाना तो शॉर्टकट की है, F12 बटन दबा दो तो भी आ जाएगा, लिख लो जी F12, और F12 लेने के बाद से क्या करेंगे, हेयर लाइन है ठीक है, थोड़ा सा मोटा कर देंगे, क्या करेंगे थोड़ा सा मोटा कर देंगे, कर देंगे ओके, आ गया मोटा, बस अब देखो या यहाँ पे देखो, यहाँ पे कट है, यहाँ पे कट है, यहाँ पे कट है ना, तो कल ही हाल ही में बनाया था मैंने जी, पहले लाइन टूल लेंगे, 3 N टूल, और यहाँ पे काट देंगे, बस एक जगह यहाँ पे काटना है, एक जगह यहाँ पे काटना है, बस या सीधा खींच देते हैं सिम के साथ, हो गया बाबू। अभी अलग अलग भरना तो क्या करूंगा बताइए, बस यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे, सब अलग अलग हो गए। अब इस पे कौन सा कलर देना है, देखो जो दिया गया है रेड वाला दिया गया है ना जी, बस क्लिक करेंगे यहाँ से, यहाँ पे क्या दिया गया है, येलो वाला दिया है, बस यहाँ पे आ जाएंगे, और आने के बाद से यहाँ पे क्लिक करेंगे और येलो कर देंगे। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, ग्रीन दिया गया है, बस मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और यहाँ पे आने बस ग्रीन कर दूंगा, और यहाँ पे जो है वो हाई, समझे बन गया, बस बाहर क्लिक करेंगे और पूरे को सेलेक्ट करके क्या करेंगे, आउटलाइन नॉन, बस
हाँ हाँ हटा दिया, लॉन्ग कर दिया, बन गया। बस दिमाग लगाओ, बड़ी जल्दी बन जाए। चलो अब ये गूगल जो बनाया गया है, ये वाला, ये तो सिंपल है, बस क्या लिख दो, टेक्स्ट पे क्लिक करो और लिख दिया गूगल जी, गूगल लिख दिया। आने बस से क्या करें, इसका फॉन्ट अपने हिसाब से, जो अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो फॉन्ट भी चेंज कर लीजिए। बाहर क्लिक करिए, सेलेक्ट, तो कौन सा फॉन्ट आपको अच्छा लग रहा है, यह वाला या यह वाला, ये अच्छा है ना, अलग स्टाइल दिया है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा और टेक्स्ट टूल पे आ जाऊंगा, और टेक्स्ट टूल पे आने वाले से क्या करूंगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये जो कलर है, यह कलर है, सब अलग अलग दिख रहा है ना आपको, जी जी कैसे, वो कैसे, ये सारा। बस मैं आऊंगा कहाँ पे, क्लिक कर दूंगा और जो भी कलर हो अप्लाई कर दूंगा। ये चलो मैं एक पे लगाना चाहता हूँ, सेलेक्ट, ये वाला चाहिए, सेलेक्ट, रेड चाहिए, सेलेक्ट, येलो चाहिए, सेलेक्ट, फिर से वैसे ही चाहिए, सेलेक्ट, क्या है, ग्रीन, ग्रीन या रेड, ये रेड है ग्रीन दे रहा है। अब बताओ ना, तो अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है इसका क्या करो, आप फॉन्ट चेंज कर दो। ये तो गूगल हमेशा चेंज करता रहता अपना स्टाइल। लो नया गूगल बना दिया, ये भी अच्छा लगेगा, लोड करने का है। तो आप अपना दिमाग, हाँ लीगल मेट भाई दिलीप।